हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग, जैसे कि आपने देखा हमारा थंबनेल, कि हम अच्छे नहीं हैं। और कभी था वक्त हमारे घर में भी बहुत खुशी का माहौल रहता था, ऐसे हंसते गाते बच्चों के साथ दिन बीतते थे, पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब जब से मेरे पति देव की नौकरी गई है, तब से हम लोगों के बहुत दुख भरे दिन बीत रहे हैं। और आप देखेंगे आगे ब्लॉग में कि वक्त होता है कभी कभी कि समझ नहीं आता ना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे, मतलब इस वक्त से उभरे। तो आज इसी परेशानियों से तंग आके मेरे पति ने इतना बड़ा कदम उठाया जो कि मुझे, मतलब मुझे उम्मीद क्या थी, और जिससे मतलब हम लोग और भी ज़्यादा डर गए हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरे दोनों बच्चे ना सो गए पापा का अपने इंतज़ार करते हुए। एक्चुअली आज इंटरव्यू देने गए थे दो चार जगह यहाँ पर, और अभी तक वो नहीं आए। अभी दिन के 3 बज रहे थे और 3:30 बल्कि बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मतलब अभी ना 3:30 बजे, अभी तक ये लोग, उनके पापा आए नहीं हुए। देखिए मैंने किचन में ना सब्जी बना के रखी हुई है और बस इंतज़ार है कि इनके पापा आएँ तो मैं आगे रोटी बनाऊं, क्योंकि रोटी गरम गरम खाने में अच्छी लगती है, बना के रखने का कोई मतलब नहीं होता, दो ही लोग हैं खाने वाले, तो इसलिए जब वो आते तभी मैं गरम गरम बनाती। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे सो रहे हैं अपने पापा के इंतज़ार करते हुए, और पापा आए भी तो इतने ज़्यादा निराशा के साथ वो ये करने लग गए, पता नहीं क्या। मैंने उनको पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो कह रहे हैं कुछ नहीं, तुम चुप रहो बस, एकदम मुझे परेशान मत करो। तो पता नहीं ये क्या, इन्होंने ना मेरी पुरानी एक साड़ी, पुरानी साड़ी मतलब क्या, इन्होंने मेरी पुरानी साड़ी निकाली और उसको यहाँ पे डालने लगे। मतलब मैं बराबर पूछ रही, यार कर कह रहे हो ये तो बता, तुम क्या सोच के आए थे इतनी देर बाद, आए हो पूरे दिन बाद, और हम लोगों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया है तुम्हारे इंतज़ार में, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए कैसे हंस हंस के जवाब दे रहे थे, लेकिन ये कुछ बता नहीं रहे थे कि ये कर कह रहे हैं। और ये इस तरीके से, तो मैंने कहा रुक जाओ, तुम कर रहे हो ना, तो मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ ताकि मैं सबको दिखाऊँगी कि तुम कर कह रहे हो। तो कह रहे हैं कुछ नहीं, बस तुम बस चुप रहो और देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझसे बिल्कुल अभी बात मत करो, मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। और ये छत ज़्यादा ऊँची थी इस वजह से ये पहुँच नहीं पा रहे थे वहाँ तक, तो मैं कह रही कि लो तुम तो पहुँच ही नहीं पा रहे हो ये वो। तो मतलब जो भी था उस समय वक्त, हम लोग भले ही हंस रहे थे थोड़ा, मतलब हंसी आ रही थी कि ये कर कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, और मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि, तो ये कर क्या रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मैंने कहा देखते हैं चलो कि ये कर क्या रहे हैं आखिर, बट मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। मतलब जो मेरे पति करने जा रहे हैं ना, आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स, पूरा ब्लॉग देखिएगा एंड तक, तो आप लोग को वो को भी पता चलेगा कि ये क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी अपने पति से कि वो ये करेंगे जो वो करने जा रहे हैं, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कि वो कभी ऐसा करेंगे। और क्या ही कहूँ, सब वक्त और हालात का है कि कभी कभी वक्त इतना आ जाता है कि इंसान इसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाता है। और यहाँ पे मतलब देखिए कैसे, किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये बस चली जाए साड़ी। मतलब मैं लगातार पूछ रही थी इनसे, बट ये बिल्कुल नहीं बता रहे थे। तो मैं सोचा देखती हूँ क्या कर रहे हैं आखिर, ये करना क्या चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही इस समय, ये भी बहुत, क्योंकि जब ये आए थे ना घर तो ये बहुत ज़्यादा ही अपसेट थे, और अभी तक हम लोगों ने खाना तक नहीं खाया। ये सीधे बस आए और ऑफिस, मतलब गए थे इंटरव्यू देने, वहाँ से आए और सीधे ये यही करने लग गए। तो हम लोग भी कहें कि ये कर क्या रहे हैं, मतलब घर आके हम लोग खाना नहीं खाए, हम बच्चे भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, और इनके इंतज़ार में थे कि खाना ये खा लेंगे, आके आएंगे जब भी तो साथ में खाना खाएंगे हम लोग, बट इन्होंने खाना खाने के बजाय सीधे ये काम करना शुरू कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। तो देखते हैं आगे फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा, अगर चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियोस को, और कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये फांसी लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, ये बोल रहे हैं मैं फांसी लगाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ बेरोज़गारी से और अब मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने। मैंने कहा अच्छा, मतलब तुम सुसाइड कर लोगे तो हम लोगों का क्या होगा। तो यहाँ पे ये कह रहे बात, जब मतलब हम रोने लगे ना इस तरीके से कह के कि, और मतलब मुझे बहुत दुख हुआ लगा कि सच में कभी कभी ज़िंदगी में वक्त आता है ऐसा कि इंसान को कुछ समझ नहीं आता है। मेरी लाइफ में भी कई बार ऐसा वक्त आया जब मुझे मौत ज़्यादा आसान लगती है ज़िंदगी से। तो जब इन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो ये हंसने लगे और कहने लगे कि अरे पागल है क्या, मैं मरने नहीं जा रहा हूँ। मैंने ना बस दिमाग में एक आइडिया आया था, तो मैंने सोचा कि यशी के लिए झूला बना दूँ यहाँ पे, क्योंकि यशी बहुत परेशान करती है, हर वक्त रोती रहती है, कुछ ना कुछ इसको बाहर जाने के लिए हमेशा रोती रहती है, तो क्यों ना मैं इसका घर में ही झूला बना दूँ।
ताकि ये यहाँ पे झूलती रहे और इन्जॉय करे। तब मतलब मेरा, मैंने ये देखा, मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी कि ऐसा मजाक ना फिर कभी दोबारा ज़िंदगी में मत करना, कि ऐसे घटिया मजाक कभी मजाक में भी नहीं करा जाता है। और यहाँ पे यशी बहुत खुश हो गई थी अपना, क्योंकि उनको झूला मिल गया था, वो झूले की बहुत करती थी, रोज़ इन्हें पार्क लेके जाना पड़ता था, तो इसीलिए यशी अब तो यशी तो बहुत खुश थी। ये देखिए यहाँ पे यशी लेट के भी झूल रही थी और बैठ के भी झूल सकती थी। तो यहाँ पे फिर फाइनली जब मतलब थोड़ा सा अच्छा माहौल हुआ तो ये कहने लगे, पागल है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो बस झूला बना रहा था यशी के लिए, तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। ये वो मतलब तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो होता है कई बार ज़िंदगी में समय ऐसा आता है कि इंसान के पास कुछ ऑप्शन नहीं रह जाता है, लेकिन उस समय में भी हमें ना मुस्कुराते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि समय कैसा भी हो एक दिन कट ही जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो ये कुछ दिन हैं हमारी ज़िंदगी में, थोड़ा बुरा वक्त है, थोड़ा समय है अभी हमारा ऐसा चल रहा है, लेकिन कोई नहीं, आज नहीं तो कल हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, ज़रूर आएंगे, मेरा भी चैनल ग्रो करेगा। कुछ लोग हंसते हैं मुझ पर कि मेरा चैनल अभी तक ग्रो नहीं कर रहा है और फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत लोग हंसते हैं, बट मैं उन्हें एक ही जवाब दूंगी, अभी मैं कोई उन्हें एक्चुअली जवाब ही नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि मैं वक्त पे ही सब छोड़ दिया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।